भगवान, मेरी सृष्टि ठीक हो। एक्सक्यूज मी, वो ये रूम नंबर 305 किधर है? यहाँ से सीधा राइट लेना। अच्छा था कि भगवान, प्लीज सृष्टि ठीक हो, क्यों हो गई मेरी बहन। तो मुझ पे कितने मेहरबान। मैं प्रीता को इतनी शिद्दत से मारना चाहती हूँ कि हर जगह उसी की आवाज सुनाई दे रही है, जबकि वो घर पे। लेकिन राजवीर की भी आवाज आ रही है। जैसी भी है माँ है, अपनी माँ की आवाज तो नहीं भूल सकता। जाके देखती हूँ। प्रीता, हाय, आज भगवान ने मेरी सुन ही ली। प्रीता को दर्द देना चाहती थी, दुख में देखना चाहती थी, सब देखने को मिला। कोई बात नहीं, बार बार भाग जाती है, लेकिन आज तो फंस गई। ऐसे मरते हुए छटपटाते हुए इसकी लाश देखना चाहती थी मैं, पर कोई बात नहीं, जिंदा लाश भी चलेगी। निधि के हाथ में देखा था, सृष्टि के पास कैसे आया? आज के बाद अपनी गंदी जबान से अगर मेरे बेटे का नाम नहीं निकाला ना, तो खुश हो जाएगी बेटा। केक भी आ गया। शाबाश। मम्मी के आने की तैयारियां हैं। Mom, I'm so proud of you. इतनी अच्छी डेकोरेशन की है आपने। Superb. बेटा, प्रीता कहाँ रहती? प्रीता आराम कर रही है। बस जैसे उसे होश आएगा, मैं उसको ले आऊंगा। अच्छा सुन, हाँ। करण, हम सब ये सोच रहे थे कि जब प्रीता नीचे आएगी तो उसे वेलकम करने के लिए हम सब एक वेलकम डांस करेंगे। ग्रेट आइडिया। क्यों मामी जी? बल्ले बल्ले बल्ले, भांगड़ा करेंगे हम लोग। हाँ
मॉम ना डांस करने के लिए एवर रेडी रहती हैं। कर सकते हैं ना डांस? अरे क्यों नहीं मॉम, सब लोग डांस करेंगे, जम के डांस करेंगे। और आप सबको तो पता ही है मैं कितना अच्छा डांस करता हूँ। तो इवन आई कैन डांस। लो जी ये डांस करेंगे। अरे मैं तो धूम मचा दूंगा। धूम मचाऊंगी मैं। मॉम आपको पता है ना आपके घुटनों में दर्द रहता है। मेरे घुटनों में दर्द हो, मेरे हाथ में दर्द हो, मेरी पीठ में दर्द हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरी प्रीता आ गई है, अब मैं एक टांग पे भी नाचूंगी, कोई फिक्र नहीं है मुझे। ऋषभ कहाँ है? अब बेटा वो शौर्य को लेने गए। शौर्य जब अपनी मॉम से मिलेगा तो कितना खुश होगा ना। बेचारे को बचपन से अपनी माँ का प्यार नहीं मिला और अब जी भर के उसे अपनी माँ का प्यार मिलेगा। करण आज मुझे तुझ पे बहुत प्यार आ रहा है। तूने ये साबित कर दिया कि तू दी करण लूथरा है। तूने जो वादा किया वो पूरा किया। मेरी बहू को मेरे पास इस घर में ले आया। थैंक यू सो मच। ये थैंक यू माँ बेटा बाद में कर लेना, तू जाके पहले प्रीता को लेकर। अरे हाँ, मैं गो 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 डैड मैं ला रहा हूँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ जल्दी लेके आ। प्रीता, प्रीता कहाँ चली गई? प्रीता कहाँ जा सकती है? वो तो बेहोश थी जब मैं उसको छोड़ के गया था। यहाँ सकता वॉशरूम में। प्रीता 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 ऐसा कैसे हो सकता है? उसको तो होश भी नहीं था। वो प्रीता को मैं वापस नहीं खो सकता। वो ना हो प्रीता घर में ही होगी कहीं ना कहीं। अभी उसे ढूंढता। चलो ये क्या हो गया? जल्दी 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 जल्दी। कुछ नहीं होना चाहिए किसी माँ को। डॉक्टर ये क्या हो गया मेरी बहन को? ऐसे कैसे हो गया? आग कैसे लग गई? देखिए प्लीज प्लीज आप पैनिक मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। वो ठीक तो हो जाएगी ना? हिम्मत नहीं, मैंने देखा उसका हाथ, उसको बहुत ज्यादा बर्न्स आए हैं। आप मुझे ये बताइए कि हॉस्पिटल के रूम में आग कैसे लग गई? अगर हम लोग टाइम पे नहीं आते तो क्या हो जाता? मेरी बहन बहुत खतरे में है डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता? आप ऐसे कैसे, इतना लापरवाह कैसे हो सकता है यहाँ का स्टाफ? मैडम हमें भी नहीं पता था कैसे आग लगी। प्लीज मैम हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उनको। देखिए आप कुछ भी करें मेरी बहन को ठीक करिए। प्लीज देखिए आप, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज आप ऐसे हाथ मत जोड़िए, हमें हमारा काम करने दीजिए। प्लीज हमें पता है हमारा काम क्या है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। प्लीज और प्लीज इस तरह हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, मुझे उनका ट्रीटमेंट करने दीजिए प्लीज। हाय ये गिड़गिड़ाना, ये भीख मांगना, ये बेचैनी, कितना सुकून मिल रहा है मुझे। एक मिनट, प्रीता लूथरा हाउस में थी और करण उसे यहाँ लेके आई, ये कैसे हो? एनीवेज ये सब तो मैं बाद में पता कर ही लूंगी, फिलहाल मैं घर जाती हूँ, सब कुछ आके दिखाती हूँ कि मैं कितनी रिस्पॉन्सिबल, कितनी अच्छी बहू। अपनी बेस्ट फ्रेंड की नीज की पार्टी छोड़ के मैं दिवाली के लिए अपनी फैमिली के लिए घर आई हूँ, बिकॉज मेरे लिए तो फैमिली इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना। पर ये नज़ारा कैसे मिस करूँ? एक काम करती हूँ, इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इन्हें संभालिए, हमें अपना काम करने दीजिए, मेरे से जो होगा सब अच्छा करूंगी मैं, आप प्लीज संभालिए। नहीं हमें बहन को प्रीता जी, प्रीता जी संभालिए अपने आप को प्लीज। आप आइए आइए बैठिए यहाँ पर प्लीज प्लीज बैठ जाइए, सब हो जाएगा ठीक। ऐसे कैसे हो सकता है ठीक हो? इतनी कैसे लग सकती? मुझे उसको देखना है, पता तुझे क्या हाल हो गया उसका? पता नहीं अभी क्या होगा। राजवीर ये शिवटी के साथ क्या हो गया? हम कुछ भी नहीं कर पाए। वो डॉक्टर को पूछना, मैं देखू, मैं जाके देखती हूँ।
माँ माँ आप आइए, आप बैठिए बैठिए। वो मैं उसके साथ रहूंगी ना तो उसे अच्छा लगेगा, उसको भी लग रहा होगा कि प्रीता दी नहीं है उसके साथ, मुझे उसके साथ रहना है। माँ प्लीज रोइए मत, वो डॉक्टर ने कहा ना वो इलाज कर रहे हैं, सिस्टर माँ को कुछ नहीं होगा। नहीं सॉरी, मेरी गलती है, मुझे उसे अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था, सब मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है, हमें मुंबई नहीं आना चाहिए जरा। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आ दुश्मन प्रीता। करण, अरे करण कहाँ भाग रहा है? प्रीता करण भाग रहा है, क्या हुआ, क्या बात हो गई? प्रीता अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है, सब जगह देखा लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। अरे कहाँ नहीं मिल रही, किधर चली गई वो? सब जगह देख लिया है, आसपास घर के आसपास सब जगह देख लिया है, कहीं नहीं मिली है वो। ऐसे कैसे नहीं है, प्रीता कहाँ जाएगी, हम सब यहीं पे थे, हमारे सामने किसी ने नहीं देखा उसे बाहर जाते हुए। अरे मुझे नहीं पता, घर में नहीं है बाहर नहीं है, हम सब तो यहीं खड़े थे, आखिर जा कहाँ सकती है? तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई, जब तू उसे लेकर आया तो बेहोश थी, फिर तू उसे ऊपर लेकर गया, वो किसी ने उसे घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा, तो फिर वो चली गई का? मुझे नहीं पता डैड कहाँ गई है, वही तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ जा सकती है प्रीता। मम्मा कहाँ चली गई? काव्या ये ना तेरा कसूर है, तेरा कसूर है, तूने कुछ ऐसा उसे बोला होगा, उसको दुख पहुंचा होगा, वो चली गई होगी। अरे परसों के बाद आई थी, क्यों लड़ता तू उसके साथ, क्यों लड़ता है बोल ना। क्यों झाड़ता है यार उससे इतना, हाँ तब तुझे समझ में है कि नहीं, क्यों अपनी जिंदगी को खुद बिखेर रहा है हमेशा? मैंने कुछ नहीं किया डैड। करण तुझे से बात समझ में नहीं आती, हर बार उसके साथ लड़ाई क्यों करता है, क्यों? वो बिचारी इतने सालों के बाद इस घर में आई थी और फिर लड़ाई करके उसे यहाँ से भेज दिया तूने। मुझे तो डाउट तुझ पे हो रहा है कि कहीं आते वक्त ही तुम दोनों का लड़ाई तो नहीं हो गई, झगड़ा तो नहीं हो गया, वरना वो लड़की बेहोश कैसे थी और तू उसे गोद में उठा के क्यों लाया इस घर में? मामा क्या बोल रहा हूँ, उन्हें बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया उसके साथ। मैंने कुछ नहीं किया। पुत्र क्यों झगड़ता तू उसके साथ, क्यों लड़ता है? करण पहले की बात और थी, लेकिन अब भी लड़ते हो उससे, क्यों किया तुमने ऐसा बेटा? नहीं बुआ मैंने कुछ नहीं किया है। इतने दिनों से इंतजार कर रहे हम लोग, सब खत्म हो गया। दादी ये सब तेरी वजह से हो रहा है, क्या कर रहा? मत संभालो इधर। करण ये सब तेरी गलती है, तेरी गलती की वजह से आज पूरा घर बिखर गया है। कूटप की हालत देखो, मम्मी जी की हालत देखो। मैंने कुछ नहीं किया मॉम। करण मैंने तुझसे बहुत नाराज हूँ आज, तूने सारी उम्मीदें तोड़ दी हमारी। मैंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल अच्छा नहीं किया करण, इस घर की खुशियाँ प्रीता से थी, हमारी सारी खुशियाँ प्रीता से थी, इतने सालों बाद खुशियाँ घर आई और फिर दोबारा से चली गई, रोका क्यों नहीं तुमने उसे, जाने कैसे दिया, सब तुम्हारी गलती है। और अब हम मॉम की हालत देखो। नहीं सब कितने खुश हैं, अगर मैं इन सबको बता दूंगा कि प्रीता कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है, तो सब बहुत परेशान हो जाएंगे, इनके दिल टूट जाएंगे, इसलिए मैं अभी इन सबको कुछ नहीं बताऊंगा, पहले खुद पता लगाऊंगा कि प्रीता कहाँ गई है। करण क्या बात है पुत्र, तू अकेला आया है, प्रीता कहाँ है? अरे पुत्र अकेले थोड़ी आते, जोड़ी के साथ आते। आज इतने सालों के बाद हमें करण और प्रीता को एक साथ देखना है। कहाँ है प्रीता? वो डॉक्टर आया था ना प्रीता का चेकअप करने के लिए, तो उसने कहा कि प्रीता को ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सफोकेशन, तो उसने कहा है कि प्रीता को एक दिन उसको बिल्कुल शांति में रखना, कोई उसे मिले जुले ना, किसी से वो बात ना करे, तो उसको रेस्ट करने के लिए कहा, तो अभी कोई उससे मिल नहीं सकता एक दिन के लिए। एक दिन हम उससे दूर कैसे रहेंगे, कल तो दिवाली है पुत्र। ये तो गलत बात है पुत्र,
प्रीता के बगैर दिवाली कैसे हो सकती है बता तू। नहीं हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती। डॉक्टर ने कहा है बस एक दिन की बात है, उसको थोड़ा रेस्ट मिलेगा, वो थोड़ा आराम करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि बेटर है कि वो घर से बेटर फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया मैंने उसको। अच्छा है ना, मतलब हॉस्पिटल। हाँ हाँ, तो फिर हम सब चलते हैं ना उसी हॉस्पिटल में मिलने। अरे नहीं मॉम, वही तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ ना मॉम। मैंने कहा ना आपको, डॉक्टर ने क्या कहा है कि एक दिन के लिए उससे कोई नहीं मिल सकता, उससे कोई बात नहीं कर सकता, तभी उसकी तबीयत ठीक होगी। सोचो अगर आज आप हॉस्पिटल गए उससे मिलने के लिए, उसकी तबीयत और बिगड़ गई, फिर वो कल हमारे साथ दिवाली कैसे मनाएगी है? सोचो ना, आप चाहते हो ना कि प्रीता के साथ में दिवाली मनाओ, फिर सिर्फ एक दिन की तो बात है मॉम। मम्मी जी करण ठीक कह रहा है। हाँ। हम सब चाहते हैं कि प्रीता हमारे साथ यहाँ हो कल, तो बेहतर यही होगा कि उसे अस्पताल में मिलने नहीं जाते हैं। कितनी उम्मीद थी आज। एक दिन की तो बात है दादी, बस एक दिन, ऐसे निकल जाएगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने आप सबसे झूठ बोला, बट आई एम वेरी टेंस्ड, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि प्रीता कहाँ गई है। कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, मैं सृष्टि को देख नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि उनकी हालत है। प्लीज देख क्या हो रहा है मेरी बहन के साथ, ठीक भी है कि नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है, देखना। मेरी बहन ठीक तो है ना? मैडम देखिए वो जल चुकी है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये जो आप देख रही हैं ना, जिसमें आपकी बहन को रखा गया है, वहां पे बर्न विक्टिम को रखा जाता है ताकि उसे कपड़े से जो भी घाव है, जलन है, वो कम हो सके। जल चुकी है मतलब? एक मिनट आप मुझे समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया। वो बच तो जाएगी ना, ठीक तो हो जाएगी ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम सॉरी टू से, लेकिन आपकी बहन की बहन 90% जल चुकी है। मैम मुझे प्लीज जाने दीजिए, मुझे कुछ इंजेक्शन लेने जाना है, प्लीज मैम। प्रीता जी संभालो खुद को, इस तरह से रो मत। कैसे हो गया ये गुलप्रीत जी, इतना खराब कैसे हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं सृष्टि के साथ ऐसा नहीं हो सकता, उसको तो जरा सी लग जाती थी तो वो इतना चीखते। मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता, लाजमी देख मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किसके पास जाऊँ, अरे किससे, मैं किससे मदद मांगू, मैं कहाँ जाऊँ, मैं मेरी बहन को बचाने के लिए कहाँ जाऊँ। नहीं नहीं प्रीता जी, ऐसे हार मत मानो, आप ऐसे नहीं टूट सकती, और वैसे भी आपने तो हमेशा अच्छा ही किया ना, और भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होने देता, वो सब ठीक कर देगा। आप माता रानी पे विश्वास तो रखो, सब ठीक हो जाएगा। माता रानी, प्रीता जी, प्रीता जी, प्रीता जी, राजवीर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सृष्टि माँ की जान खतरे में और माँ की हालत, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजवीर पुत्र, यही तो समय है ढाल बनने का, नहीं तो इन दोनों को कौन संभालेगा? कैसे ढाल बनूंगा, कैसे कैसे बनूं, जिंदगी ने तलवार बन के काट दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ खत्म हो गया है। और सृष्टि माँ की ये हालत मेरी वजह से तो है, माँ की कोई गलती नहीं है। मैंने जिद की थी कि शहर में आना है, मेरा कोई मकसद था, इस शहर में आने का मकसद भी टूट गया, सब कुछ टूट गया। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ क्या, मैं सृष्टि माँ की जिसने भी है हालत की, मैं उसे पकड़ भी नहीं पाया, मुझे पता भी नहीं किसने ये किया, मैं कैसा बेटा हूँ, क्या करूँगा, किसका ख्याल रखूँगा, कैसे ढाल बनूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता नहीं किसने किया, किस मोहित। कोई बात नहीं पुत्र, अरे गुनेगार छिप थोड़ा ना सकता है, कभी ना कभी तो वो सामने आ ही जाएगा, तू फिक्र मत कर, हिम्मत रख। लेकिन कौन है गुनेगार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
सृष्टि माँ को कौन किडनैप करेगा? सृष्टि माँ के किसी से क्या दुश्मनी है? इतना दर्द क्यों दिया सृष्टि माँ को? ये सब क्यों किया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन हो सकता है? हाँ, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा कि सृष्टि जी जब हॉस्पिटल में आई तब यहाँ पर भी आग लग गई। ये एक्सीडेंट था या किसी ने जानबूझ के किया? कैसे होने दे सकती है माँ? वो मेरी सृष्टि है, उसको इतनी तकलीफ कैसे दे सकती है माँ? आपने ऐसे कैसे कर दिया माँ? मैंने क्या कमी छोड़ी थी? मैंने रोज आपकी पूजा की, रोज अपना माथा टेका। माँ नहीं, माँ ऐसे मत होने दीजिए। मेरी बहन को इतनी तकलीफ मत दीजिए। उसे कितना दर्द हो रहा होगा, कितना तड़प रही होगी। माँ माँ मैं ये नहीं देख पाऊंगी। उसे बचा लीजिए माँ, प्लीज उसे बचा लीजिए। मैं कसम खाती हूँ माँ, अगर आपने मुझे मेरी सृष्टि नहीं लौटाई तो मैं आपके मंदिर में अपनी जान दे दूंगी। भगवान से भक्त होते हैं और भक्त से भगवान। जब आपका भक्ति नहीं रहेगा तो कौन पूजेगा आपको? मेरी सृष्टि मुझे लौटा दीजिए माँ, मेरी सृष्टि मुझे लौटा दीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। उठिए, उठिए, क्या कर रही हैं आप? माँ का एक हाथ चल गया,
एक हाथ से खून आ रहा है, संभालो अपने आप को, मत करो ये सब, क्या कर रहे हो आप? छोड़ दे राजवीर, संभालो अपने आप को, माँ मत कीजिए, मत रो मुझे, मत रो, माँ मत कीजिए, मत कीजिए, माता रानी को कहेंगे मत कीजिए ऐसे। मेरी बहन के साथ मत कीजिए, मुझे इतनी तकलीफ, इतनी चोट कैसे दे दी उन्होंने, क्या कमी जोड़ी थी मैंने पूजा में, रोज पूजा करे, रोज माता टेका, तो माने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? राजवीर मेरी जीती, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। माँ माँ को जीती को बचा नहीं होगा। संभालिए अपने आप को प्लीज, माँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही ऐसा होगा। होगा, जरूर होगा, तुम्हें हालत नहीं दिख रही इनकी, एक हाथ जला दिया, दूसरे हाथ से खून निकल रहा है। अरे सृष्टि जी को माता रानी बचा लेंगे, पर इनका क्या होगा, इनको कौन बचाएगा? नहीं राजवीर, इतना बुरा नहीं हो सकता, हमारी जीवती के साथ इतना बुरा नहीं हो सकता। ये सब शायद मेरे साथ होना था और उसके साथ हो गया। माँ मेरी जीवती मुझे वापस चाहिए, इतनी तकलीफ कैसे दे दूँ, इतनी तकलीफ कैसे दे दूँ। I'm sorry to say, सिस्टर जी कोमा में चली गई।